समेत भारत के कई राज्यों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। तपिश का आलम यह है जैसे आसमान से आग बरस रही है और पारा 50 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज यानी 29 मई को यूपी के मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक बात करें तो इन जिलों में अगले 5 दिनों तक चिलचिलाती गर्मी और हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। यूपी के कई जिलों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो भीषण गर्मी से झुलसा रही है। गर्मी की तपिश ने लोगों का दोपहर के समय घर से बाहर निकलना भी मुश्किल कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल लखनऊ में गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। इस पूरे हफ्ते लखनऊ का अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के कानपुर, फतेहपुर, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, हमीरपुर, आगरा, अलीगढ़, औरैया, लखनऊ, हरदोई, गोरखपुर, बलिया, सुल्तानपुर, मेरठ, बस्ती और इटावा में सामान्य से ज्यादा अधिकतम तापमान रहने की आशंका है। अब बात करते हैं कि किन जिलों में लू का जो दौर है वो जारी रहेगा। फिलहाल के लिए यूपी के कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, फतेहपुर, झांसी, हमीरपुर, आगरा, फुर्सतगंज, सुल्तानपुर, मेरठ, इटावा, अलीगढ़ और बुलंदशहर में भीषण लू का दौर जारी रहने के आसार हैं। और अगर हम बात करें रातों में भी गर्म हवाओं के चलने की, तो उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़, इटावा, खेरी, लखनऊ, गाजीपुर, वाराणसी, प्रयागराज, सुल्तानपुर, फुर्सतगंज, झांसी, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, बलिया, गोरखपुर, फतेहपुर और हरदोई में रातें सामान्य से ज्यादा गर्म रहने की संभावना है। पूरे उत्तर भारत में लू चलने के बीच दिल्ली में भी इस मौसम का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया है और मंगलवार को कई इलाकों में अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इस प्रचंड गर्मी से कैसे बचें ये भी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोग एसी में सुकून की हवा खा रहे हैं, लेकिन खाने की डाइट पर अगर ध्यान दें तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि खाने में डाइट कैसी होनी चाहिए इस भीषण गर्मी के दौरान। प्यास ना होने पर भी दिन भर पानी पीते रहें, शराब और कैफीन से बचें, क्योंकि ये आपके शरीर को निर्जलित कर सकते हैं। स्नान करें और हल्के और ढीले ढाले कपड़े पहनें। सभी बाहरी गतिविधियों को सीमित करें, विशेष रूप से दिन के सबसे गर्म हिस्सों के दौरान। यदि आपको बाहर जाना ही है तो बीच बीच में ब्रेक लें और नियमित रूप से पानी पीते रहें। शाम को हल्का आसानी से डाइजेस्ट होने वाला भोजन करें। भारी भोजन आपके शरीर की चयापचय दर को बढ़ा सकता है और अधिक गर्मी पैदा कर सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसमें आप गर्मी से कैसे बचें, इन सब के बारे में हमने आपको डिटेल्स दी। अभी मौसम क्या चल रहा है, कितना पारा है, 50 डिग्री पार पहुंच गया है, तो अपना खासा ध्यान रखें और सुरक्षा बरतें। फिलहाल के लिए ये मौसम का सबसे बड़ा अपडेट था। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबीपी लाइव।